अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे YouTube चैनल देख रहे हैं मुर्शिद व्लॉग 333। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार। आज हम जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा। वीडियो आखिर तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो कीजिएगा लाइक और हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। दोस्तों ये व्लॉग का पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट कल इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। थैंक यू। दोस्तों तो अभी मदीने हम जा रहे हैं और जाने से पहले ये काम लाजमी करना आप लोग, हवा जो है ना वो लाजम चेक करना टायर की। तो अभी हम चेक कर रहे हैं। जी तो दोस्तों अभी सफ़र में जाने से पहले हमें अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी हैं, जैसे कि ये पानी हो गया, पानी लेते हैं और उसके बाद फिर कुछ और भी लेंगे, ठंडा वंडा वो भी लेते हैं। जी तो दोस्तों जैसे कि लंबा सफ़र है और रात का सफ़र है तो नींद आती है, इसके लिए हमें ये चाहिए पावर, इसे कहते हैं कोल्ड ड्रिंक, ये पी के फिर निकलते हैं। और दोस्तों ये भी स्पेशल चीज़ है, सफ़र में आते जाएं नींद उड़ती जाएगी, ये भी लाजमी लेना सर। तो दोस्तों ये चीज़ें हमने ली हैं और ये भी ली है, सब जो खर्चा आया है वो 32 रियाल का है, 32 रियाल का। जी तो दोस्तों अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह जद्दा से निकले और जा रहे हैं मदीने, और ये भी बस जा रही है मदीने और हम भी जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ में कीजिएगा याद, इंशाल्लाह पहुँचेंगे वहाँ पर। और पहुँचने के पहले पहले जहाँ हम रुकेंगे कहीं पर भी हम ब्रेक लगाएंगे, कोई चाय वाय पिएंगे, कोई बाथरूम जाएगा, कोई पानी वानी पिएगा, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं लंबे सफ़र पे, इंशाल्लाह जो आगे होगा वो आप लोगों को दिखाते जाएंगे इंशाल्लाह। ये दोस्त हमारे साथ हैं सारे और अभी हम जा रहे हैं मदीना। तो मुर्शिद अभी हम कहाँ पहुँचे हैं और यहाँ से जिद्दा से मदीना कितना किलोमीटर है? अभी हम जिद्दा से निकले अल्हम्दुलिल्लाह और जिद्दा से मदीना जो है वो तकरीबन 400 किलोमीटर है। और अभी हमारे पास यहाँ पर टाइम हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये 11:27 हुए हैं अभी हम निकले यहाँ से जद्दा से। और कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह 3-3.5 घंटे में, क्योंकि आज हमारे पास थोड़ी गाड़ी छोटी है, शायद 4 घंटे भी लग जाए। तो अभी निकले हैं 400 किलोमीटर यहाँ से, इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे जल्दी। कसम से यार यहाँ पे बहुत ठंडे, बहुत ठंडे। हम जद्दा में आज इतनी गर्मी थी, एसी चालू करके आए थे, अब यहाँ पे ना बहुत ठंडे। आप भी ठंडे? बहुत है, आपने पता है नहीं सर्दी है बहुत, बताते हम जल्दी लेके आते यार, हमें खुद नहीं पता था कि यहाँ पहुँच के, कसम से। तुमको पता होना चाहिए किधर कितना ठंडा है, हमें तो बताते हम जल्दी लेके आते हैं हमने। तो दोस्तों यहाँ पे पहुँचे कसम से, इतनी ठंडे, ये देखो मेरे दोस्त। हाँ भाई मज़ा आ रहा है, बहुत ठंडे यार। और हमें पता नहीं था कि यहाँ पे आज इतनी ठंड हो जाएगी। अभी यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे कुछ पेशाब वेशाब करते हैं, तो उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं अपने व्लॉग को आगे चलते। अगर जो भी इस मौसम में मदीना आना चाहता है वो कम से कम अपने लिए जैकेट या कोई मफलर साथ लाए, यहाँ बहुत ठंडे। लेकिन मदीने से हम बहुत दूर हैं अभी,
अभी 200 किलोमीटर अभी है, उसके बाद हम मदीने पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पे इस एरिया में, स्पेशल इस एरिया में बहुत ठंड है, बहुत, इतनी ठंड है कि हमें पाकिस्तान याद आ गए। ये हमारी छोटी सी गाड़ी, गाड़ी कसम आपको फील नहीं होगा, हमें तो फील हो रहा है जैसे फ्रिज में निकल आई। कसम इतनी ठंड है, ये यहाँ पे भी लोग ना खड़े हैं यहाँ पे स्टे करने के लिए। और ये सामने से बाथरूम है, और हम चलते आप लोगों को बाथरूम भी दिखाते हैं। अभी यहाँ हम एक पेट्रोल पंप है, जैसे पाकिस्तान में बाईपास में होते हैं ना, कराची से जब हम जाते हैं हमारे गांव या कहीं, वहाँ पे कोई पेट्रोल होता है, वहाँ के हमाम तुम्हें दिखते हैं। अभी हम तुमको सऊदी का हमाम दिखाते हैं। हमाम नहीं, बाथरूम बोलते हैं। बाथरूम बोलते हैं, हाँ। क्या हमाम बोलते हैं, वहाँ बाथरूम बोलते हैं। बाथरूम, बाथरूम बोलते हैं। हमारे यहाँ तो टॉयलेट बोलते हैं। चलो जी, ये बाथरूम का इंटर गेट है, ये इसका एंट्रेंस जी। इसके बाद ये भुट्टो अभी जिंदा है। जो भुट्टो जिंदा था वो यहाँ नहीं है, यहाँ पे भुट्टो नहीं है भाई। ये देखो, यहाँ पे आपको भुट्टो नाम का आदमी सिवाय पटेल नहीं होती है। वजू करने की जगह यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से वापस आती है, ये बड़ी लाइन है बात वजू करने की। उसके साइड पे बाथरूम भी है बहुत सारे, तो थोड़ा सा हम हल्का फुल्का होके फिर व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। और मैं यहाँ घुसता हूँ, ये दिखाता हूँ जी आप लोगों को जी। यहाँ से बाथरूम शुरू होते हैं दोनों तरफ, लेफ्ट एंड राइट, नहीं राइट एंड लेफ्ट। वो सामने मैं नज़र आ रहा हूँ, वो बंदा हूँ, और फिर यहाँ से चले जाएं यहाँ लास्ट तक। ये मेरा दोस्त उधर से घूम फिर के आया भाई, कुछ महसूस आ रहा है मेरे ख्याल में, यहाँ पर ठंड थोड़ी कम है। हाँ ठंड ने तो हमारी हालत कर दी यार, हमने सोचा भी नहीं था कि मतलब ऐसी ठंड होगी यहाँ पे, कसम से। वाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अभी मेरे ख्याल में मदीने में और भी ठंड होगी जो नजर आ रहा है। बोलते हैं ना, हाँ, जल्दबाजी में कोई काम ना किया कर, बड़ों की सलाह लेना लाजमी, लाजमी लेनी चाहिए यार, हमें बड़ों की बात माननी चाहिए थी, कुछ अपने लिए लेके आते। पानी ले आने वाला है, पानी गर्म है, पानी गर्मा, हाँ हाथ लगा देने से। हाँ यार पानी गर्म आ रहा है माशाल्लाह। और बस ये, हाँ हाँ सिंधी गाना, हमारी मादरी जबान है, ये हमारी मादरी जबान है, हमारे बचपन की जबान है। और आप सोच रहे हैं हम इस पानी से मुंह धोए कि नहीं। ये जी लोग अभी उतरे हैं, ये बस आई है, बस से लोग उतरे हैं, और मेरे ख्याल में शायद कोई नमाज पढ़ेंगे, कुछ भी, हर किसी के पास जैकेट है, हम तो ऐसे ही निकल के आ गए जी। तो दोस्तों ये बस आ गई, दो बस अभी आए हैं, और इनमें से ये लोग निकले। बिस्मिल्लाह, ऐसा था बाबा जी, हालत थी गई आज, ये थी आज बुरड़ो कर बारह सा लो जी आज। अच्छा क्यों न खड़िया है जैकेट, यही ऐसा है दोस्त भाई, ये हमारे कुछ लोग हैं सेल्फी वेल्फी बना रहे। सिकंदर भाई सेल्फी बना रहे, सारा मूड मेरे यार, अभी किसी में हिम्मत ही नहीं है कोई वीडियो रिकॉर्ड करे कुछ, यार मेरा तो कोई रिकॉर्ड करे। चलो जी बंद करो। तो गाइज अभी यहाँ पे हम कुछ देर रुके और थोड़ा फ्रेश भी हो गए, टांगों को भी थोड़ा हमने ना जान दे दिया, क्योंकि बैठ बैठ के थक गए थे, और बाथरूम भी गए थे। उसके बाद अभी यहाँ से निकलने वाले और जाएंगे अभी मदीना, और मदीना यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर अभी दूर है, 200 किलोमीटर। तो अभी निकलने वाले और देखते हैं आगे क्या होता है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ, आगे भी बहुत कुछ आज इंटरेस्टिंग होने वाला है। सिगरेट पी रहा है, पीने दो। मुझे भी दो यार, जुगाड़ लगाया है। नहीं मैं नहीं पीता, कोई मसला नहीं है। चलो जी इंशाल्लाह आगे आप लोगों को बहुत चीज़ें दिखाते हैं, कंटिन्यू करते हैं जी। तो कसम से दोस्तों बाहर इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी क्या बताएं। हम अभी आए यहाँ पे, थोड़ा ना एक पेट्रोल पम्प है, और ये हमारा शीशे क्या हो गया बाहर से, धुंध की वजह से भाई, धुंध की वजह से बहुत धुंध जहाँ पर पड़ रही है। आए यहाँ पे और यहाँ पे कैफेटेरिया में जाते हैं, कोई चाय वाय लेते हैं, यार बहुत ठंड है बहुत। वो बंदा देख रहे हो, इतनी ठंड है। पाकिस्तान में चौकीदार होते थे ना, खड़े होते थे लाइट हाथ में लेके, फिर इंतजार करते कि चोर आएगा, चोरी करके जाएगा, फिर बोलते भाई उठो उठो चोरी हो गई।
ठंड ने हालत कर दी, चलते हैं कुछ लेते हैं, कोई चाय वाय लेते हैं गर्म कुछ यार, खुद को करते हैं। अभी आए यहाँ पे हम लोग चाय वाय लेते हैं अपने लिए, और ठंड की वजह से बड़ी ठंड है कसम से यहाँ पे एकदम। ये जो दोस्त हैं अभी यहाँ पे आए हैं कुछ चीज़ें वीज़ें लेने के लिए, हम यहाँ पे लेते हैं चाय, रंग बिरंगी जूस। जूस पियो गए? जी तो हमारी चाय अभी रेडी हो गई है, गर्मा गर्म चाय अभी पीते हैं। और ये यहाँ पे मिल रही है 3 रियाल की एक चाय, 5 बंदे 5 चाय लेते हैं। हाँ सिकंदर, चाय पे चाहिए सारे यो चाय आटी आया हूँ। हाँ पत्ती कट दी चाय जो अध का सो थी तेरा भरे लो क्या हाल सा ने तो डकी डकी आ रहे चले पजो ए धोको के वा मरा हो जी गला हो रिसड़ में चाय फुल दी छे ए बाबा जाओ मला हो चाय लो चिंजाड़ी वाली चाय भाई आई पिकी बदई कदम करते कटर में कटर पूछा वो कई कटर ही जाने में ज्यादा सके तब भी कवरी कर भी तभी दी तभी कहानी होती था। अच्छा चल आसाम ये गर्म गर्म मौसम खरीदा था सर में जा इतने बस आई है बता दियो। जी तो दोस्तों मदीने जाते वक्त हमें ना छोटे छोटे गांव भी बीच में आ जाते हैं, बड़े सिटी कोई भी नहीं आता, बस छोटे से कोई स्टॉप वगैरह होते हैं और पेट्रोल पंप आते हैं या छोटे छोटे गांव जो होते हैं जैसे आप लोग ये देख रहे हो, और इसके साथ भी एक पेट्रोल पंप भी है। कोई बड़ा सिटी हमें यहाँ पे टच नहीं होता, और ये बीच में लाइनें भी लगी हुई हैं और बीच दोनों सड़कों के बीच में, और ये जो आ रही है ना बत्ती वाला इससे डर सब डरते हैं। यहाँ पे ये ट्रैफिक पुलिस भी मतलब हर 5-10 किलोमीटर के बाद आप लोगों को मिलेगी है, खुदा ना खास्ता कोई भी अगर कोई हादसा वगैरह भी हो जाए तो फिर एमरजेंसी में वो घूमते रहते हैं। असां वटि वरी बि चौकी ते वेंदे ई वरी इहे भले यादगिरी ईंदनि 11 बजे पाणी जो वारो आहे त पोइ पुलिस जी वरी लाइ वरी कपिड़ा पाए वरी पाणी जे वारे ते लाइ वेंदी पोइ या चोर चोरी करे हलिया था हलनि टियो एक और बात बता चले कि यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो 140 है, 140 पे आप गाड़ी चला सकते हैं इस रोड पे। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अभी सिर्फ और सिर्फ अभी 60 किलोमीटर रह गए मदीना और पहुंचने वाले हैं। ये लाइटिंग उसकी निशानी है, जहां से लाइटिंग शुरू होती है समझ आ मदीना के दायरे में आ गए हैं। और अभी आप लोगों को टाइम दिखाते हैं कि क्या टाइम हुआ है। जी अभी टाइम हुआ है 2:09 और हम निकले थे 11:25 पर निकले थे ना जद्दा से, सही था। हाँ तो अभी बस ज़्यादा से ज़्यादा अभी 20 मिनट और लगेंगे या 22-23 मिनट। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हम अभी मदीने में एंटर हो गए और हमने जो पूरा टाइम वहाँ से निकले जद्दा से खाया पिया बैठा थोड़ा एंजॉय भी किया दोस्तों के साथ, टोटल टाइम जो हमने लगाया वो 3:15 जद्दा से लेके मदीना तक 3:15 में हम आए। और अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह जद्दा के मदीना की सिटी में एंटर हो गए, कुछ ही देर में इंशाल्लाह आपको मस्जिद नबवी की भी ज़्यारत करवाएँगे। तो दोस्तों अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए मदीना मुनव्वरा में, और हरम जाने से पहले हम पे ये वाजिब होता है कि यहाँ मस्जिद कुबा में आए और यहाँ पे हम 2 रकात नफिल पढ़ें। तो अभी ये मस्जिद कुबा मेरे बिहाइंड साइड पे आप देख सकते हैं, ये मस्जिद कुबा है और ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की ये मस्जिद है। तो यहाँ पे 2 रकात नफिल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जाएँगे हम मस्जिद नबवी और इंशाल्लाह फजर की नमाज़ भी वहाँ पर अदा करेंगे। तो चलते हैं अभी 2 रकात नफिल यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे मस्जिद नबवी की तरफ। जी तो दोस्तों अभी हम आए हैं मस्जिद कुबा के अंदर और यहाँ पे हमने 2 रकात नफिल पढ़ने, उसके बाद फिर हमने जाना है मस्जिद हरम। तो पहले यहाँ पे हम 2 रकात नफिल अदा करें,
उसके बाद फिर अपने ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम पहुंच गए हैं मस्जिद नबवी के सहन में। ये जी माशाल्लाह पहुंच गए मस्जिद नबवी। ये इसका पुरनूर मंजर, सुबह का टाइम और हमें तो बहुत ठंड लग रही है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए अभी हरम में और ये पीछे आप देख रहे हैं गुंबदे खजरा मेरे पीछे बिल्कुल, और हम अभी मस्जिद नबवी के सहन में हैं। और कहते ना कि जब इतना प्यारा मंजर सामने मिलता है देखने को तो फिर सारी थकावट दूर हो जाती है। 3.5 घंटे का सफ़र था जद्दा से निकले, अभी यहाँ पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह। जब यहाँ पहुँचे तो सारी थकावट हमारी दूर हो गई है और ये मंजर है अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं। माशाल्लाह क्या मंजर है, सुबह अभी फजर की अजान नमाज होने वाली है और उसके बाद इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे बहुत ठंड हो रही, मेरा कैमरा मैन भी वो भी ना बिल्कुल वाइब्रेट कर रहा है, तो कोशिश करते हैं कुछ लोग आप लोगों को कुछ यहाँ पे दिखाते मंजर, उसके बाद फिर चलते हैं मस्जिद नबवी के अंदर और वहाँ का भी मंजर दिखाएं। जी तो दोस्तों ये वीडियो हमारी बहुत लंबी हो गई इसलिए हमने इसके 2 पार्ट किए, अभी एक अपलोड कर रहे हैं, दूसरा इंशाल्लाह कल अपलोड करेंगे। इसी चैनल पर देखिएगा, उसमें हम 72 शहदा पे गए थे और जबल अहद पर गए थे और जुम्मे का खुतबा भी हम लोगों ने उसी वीडियो में रिकॉर्ड किया है, जुम्मे का नमाज़ भी और उसके बाद फिर जो वापसी का है वो भी व्लॉग में शामिल किया है। तो फिर तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।